జరగనున్న కిసాన్ రిపబ్లిక్ మార్చుకు రైతులు రెడీ అవుతున్నారు. ఫుల్ జోష్తో ర్యాలీలో పాల్గొంటామన్నారు రైతులు. ట్రాక్టర్లపై జాతీయ పతాకం, రైతు సంఘాల జెండాలు పెట్టి ర్యాలీలో పాల్గొంటామంటున్నారు. వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు చేసే వరకు ఢిల్లీ వదిలి వెళ్లేది లేదన్నారు. ఎన్ని రోజులైనా ఉండేందుకు సిద్ధపడే వచ్చామన్నారు. बस सबकी तैयारी है, अपना ट्रैक्टर वैक्टर से निकाल लेंगे, अपना तिरंगा बन देंगे और अपना झंडा बन देंगे, किसान यूनियन का झंडा बन देंगे. भाई अगर कुछ वो होता है, हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज बांध रखा है, इसमें कोई दिक्कत तो होने की नहीं. अगर वह कुछ भी दिक्कत करेंगे, ध्वज बंध रहा अपना, शिव इज्जत ही होगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का. देखो जी, सरकार मानना तो सरकार को मानना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ये आज टाइम लगेगा, इतनी जल्दी भी माननी की नहीं सरकार. बिना मानना हम नहीं जाएंगे, अगर मानते हैं तो जाते हैं, ना तो अपना यहीं पटे, चार साल हो जाओ पाँच पूर्ण पेड़ करके फिर अपने यहीं आ जाएंगे. बहुत बड़ा दिन है, आज तक आया ही नहीं ऐसा दिन कि किसानों की परेड लिख दी हो, तो बहुत बड़ा दिन है, इससे बड़ा दिन क्या होगा. खुशी हुई हमें अंदर जाने की अनुमति मिली, इस बात के लिए बहुत अच्छा लगा. सरकार को धन्यवाद. तैयारियां आप देख रहे, ट्रैक्टर बहुत आगे है और भी आवेंगे, आज बहुत ज़्यादा मात्रा में. पूरी तैयारी से हम ट्रैक्टर परेड निकाल लेंगे, ट्रैक्टर को सजाया जाएगा, लाइटें लगेगी, मालाएं लगेगी, बहुत ज्यादा जोश है. अगर हम अनुमति मिले, हम 24 घंटे बराबर ट्रैक्टर लगाएंगे. तक बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी. दिल्ली पुलिस ने अच्छी बात है, हमें जहां तक जाने की परेड की अनुमति दी है, वहां तक हम परेड करेंगे. जहां तक हमारे वरिष्ठ नेताओं का, किसान यूनियन के वक्ताओं का कहना होगा, वहां तक जाएंगे. घर वापसी तब तक नहीं जब तक कानून वापसी नहीं.